हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बस इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7 सी का जो 17th नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको देखो दो इधर से पैरेलल लाइन दिए गए हैं और दो इधर से पैरेलल लाइन दिए हैं। ए बी सी डी पैरेलल है, ई एफ जी एच आपस में पैरेलल है। बीच में आपको एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से कट करके दे दिया गया है। ये जो है हमारा क्यू और आर जो जा रहा है इधर, ऐसे ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल बने हुए हैं। देखो यहाँ बना है, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब बहुत सारे एंगल बने हुए हैं। कुछ का अपने को मेजरमेंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 110, यहाँ पे 60 दे दिया गया है, लेकिन कुछ जो है वो गैप कर दिया गया है और उनका ही हमको बताना है। जैसे ये एक्स जो है वो कितने डिग्री का है, वाई कितने डिग्री का है, जेड कितने डिग्री का है, और ये जो टी बन रहा है ना ये कितने डिग्री का है। ये चार एंगल का अपने को मेजरमेंट फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, बस आप एक बार बेसिक समझ जाओ इसका कॉन्सेप्ट, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ इसे सॉल्व करना। तो देखो फिर से हमने डायग्राम बना लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। सबसे आसान जो यहाँ पर दिख रहा है वो हमको एक्स फाइंड करना दिख रहा है, क्योंकि उसके नीचे में 60 डिग्री है। तो हम क्या जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट जो होते हैं वो हमारे आपस में इक्वल होते हैं। तो जो ईजी है वहीं से स्टार्ट करो, आसान जो एंगल है उसको फाइंड करना शुरू करो। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि एंगल एक्स जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा। फिर इसका नाम एंगल एक्स मत दो, पहले इसे कुछ नाम दे दो। पी आर, देखो ये पॉइंट का नाम आर है और इधर क्यू है, तो पी आर क्यू लिख दो, छोड़ो इसको, एक्स डायरेक्ट मत लिखो नहीं तो टीचर हो सकता है गलत कर दे। तो एंगल पी आर क्यू जो है ना वो इक्वल है नीचे वाले एंगल के, तो इसका कुछ नाम है क्या? तो इधर से इसका नाम, नहीं, इधर से कोई इसका नाम नहीं है भाई, तो इसमें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्या? एक सेकेंड रुको। तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, दोनों आपस में 60 ये तो आपको समझ में आ गया है ना। तो नाम वगैरह का टेंशन छोड़ो, पी आर क्यू इक्वल टू डायरेक्ट लिखो 60 डिग्री, और ये जो हो जाएगा हमारा क्यों 60 हो रहा है, क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट है। यहाँ पर आप लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये दोनों आपस में इसीलिए इक्वल है। तो पी आर क्यू का ही नाम क्या है? एक्स है, इसीलिए हमारा जो एक्स होगा वो कितना हो गया? 60 डिग्री निकल गया यहाँ से। अब चूंकि हमारा एक्स हमको पता चल गया है तो वाई भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पर ये वाला लाइन और ये लाइन हमारे क्या थे? आपस में पैरेलल थे, और ये जो है वो ट्रांसवर्सल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब कभी भी दो लाइन को कोई तीसरी लाइन कट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? वो ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो इधर एंगल बना और ये एंगल बना इस साइड में, तो इन दोनों एंगल को क्या बोला जाता है? आपस में बोला जाता है क्या बोलते हैं, सॉरी वर्टिकली अपोजिट बोल रहा हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर से आप लिखोगे नाउ एंगल जो हमारा एक्स है, एक्स डिग्री जो है वो इक्वल है वाई डिग्री के, और दोनों का जो मेजरमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा कितना? 60 डिग्री का। क्लियर है ये चीज़? तो ये आपस में इक्वल क्यों हो गया? क्योंकि आपस में दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे। तो देखो ज़्यादा इसमें आप स्टेटमेंट लिखने जाओगे ना अगर कि ये ऐसा था ये ऐसा था यहाँ पर ये पैरेलल है, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होगा और आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो एकदम बेसिक बेसिक से आपको दिखते जाए उसको बस सॉल्व करते चले जाओ, कैसे वो लिख करके, बस आपका आंसर सही आना चाहिए। तो वाई जो होंगे आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। बाकी यहाँ अगर आप टीचर बोलते हैं कि नहीं थोड़ा स्टेटमेंट भी लिखो कि इस एंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर है, इसका नाम क्या है, तो इस वाले का नाम फिर आप वही आर क्यू और एच कर सकते हो। तो ऐसे आप एंगल का नाम दे सकते हो, गलत नहीं कहलाएगा वो भी, वो भी सही ही है। लेकिन मेरे अगर स्टूडेंट हो आप तो आप शॉर्टकट में डायरेक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने टीचर से एक बार कंसल्ट कर लेना कि वो शॉर्टकट को यहाँ पर प्रीफर कर रहे कि नहीं कर रहे। तो अब देखो अपने को वाई मिल गया है, तो यहाँ से हमको एक्स और वाई मिल गया, दो एंगल तो आसानी से मिल गया हमको। अब हमको कौन सा निकालना है? ये जेड और ये टी निकालना है। तो अगर अपन इन दोनों में से कोई एक भी निकाल लें, जैसे मान लो मैं जेड निकाल लेता हूँ तो टी भी मिल जाएगा, क्योंकि देखो वही चीज़ है, दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल ये वाला कट कर रहा है, तो यहाँ पर इधर भी बना और ये लेफ्ट में बना, तो ये दोनों भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जेड हमको मिल गया तो टी भी हमको मिल जाएगा, दोनों आपस में, क्योंकि इक्वल एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर आपस में इक्वल होते हैं। तो अब इस जेड को कैसे निकालूं मैं? तो यहाँ पर देखो 110 लिखा हुआ था ना, तो सिंपल आप ये जानते हो कि जब कभी भी दो एंगल ऐसे जाएं, यानी दो लाइन ऐसे जाएं, तो यहाँ पर ये अब हमको ट्रांसवर्सल का काम कौन सा कर रहा है? ये वाला कर रहा है। तो ये एंगल और यहाँ पर जो ये बड़ा सा एंगल बनेगा, ये वाला और ये यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमारे आपस में कितने होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसको आप ऐसे लिखोगे ए पी आर, ठीक है, अगर नाम है तो नाम लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर नाम नहीं था इसलिए मैं इसको छोड़ दिया था। तो ए पी आर ये वाला हो गया हमारा, और इसका नाम क्या हो गया? पी क्यू आर, और ये जो नीचे जो जेड है उसका नाम है हमारे पास आर क्यू और एच, ठीक है, इस तरीके से हम लोग तीनों का नाम कर देते हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा ए पी आर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एंगल ए पी और आर, ये जो है इक्वल है इन दोनों के सम के, यानी इस आधा वाला एंगल और ये आधा एंगल दोनों को मिला करके जो पूरा एंगल बनेगा ना उसका इक्वल है। तो ऊपर वाले आधा का नाम क्या है? पी क्यू आर है, यहाँ पर लिखो एंगल पी क्यू आर, और प्लस में ये नीचे वाला जो वाई है उसका नाम हमारे पास क्या है? तो आर क्यू और एच है, यहाँ पर लिख दो आप एंगल आर क्यू एच।
मेन बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में ये सब आ जाता है कि ये एंगल का मेजरमेंट इतना होगा क्योंकि ये अल्टरनेट है, ये करस्पॉन्डिंग है, इतना समझ जाते हैं। ये नाम लिखने में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसीलिए मैं इसको नहीं लिख पाता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए पी आर का वैल्यू कितना है, 110 है, एंगल वगैरह को बाद में लिखना। पी क्यू आर का वैल्यू अपने को पता नहीं है, वही तो निकालना है, और क्योंकि अगर ये निकल जाएगा और ये हमारे पास है ही पहले से तो ये भी निकल जाएगा। और वाई का मतलब ये वाला का वैल्यू हमको पता है कितना दिया हुआ, इसका वैल्यू हमको वाई पता है, और यही हमारा 60 डिग्री है। तो इसके जगह में आप पी क्यू आर रहने दो और इसके जगह में आप 60 डिग्री कर दो, इस तरीके से। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग पी क्यू आर निकालने के लिए 60 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये 110 इधर पहले से है, 60 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में एंगल पी क्यू आर बच गया। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 110 में से 60 अगर माइनस कर दो तो आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, यानी कि जो पी क्यू आर है वो हमारा 50 डिग्री का है, इक्वल टू पी क्यू आर, ऐसे लिख लेते हैं, इसको भी डब्बे में क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमको 50 डिग्री मिल गया, वाई हमको 60 डिग्री मिल गया, जेड आसानी से निकल जाएगा क्योंकि एक सीधी लाइन पे जब कितनों ही एंगल बनते हैं तो उन सभी का सम कितना होता है, वो सभी हमारे 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे कि 50 डिग्री, डायरेक्ट लिखो, यहाँ पर आप एंगल का नाम लिख सकते हो, लेकिन मैं अब नाम लिखने में वेस्ट नहीं करूँगा टाइम, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 50 डिग्री प्लस में 60 डिग्री और प्लस में जेड। ठीक है, इन तीनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा 180 आएगा, क्योंकि तीनों एक सीधी लाइन पे बने हुए एंगल हैं जिसको हम लोग लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट में लीनियर पेयर। तो 60 और 50 हमारा कितना हो गया, 110 हो गया यहाँ पर फिर से, प्लस में जेड इक्वल टू 180। जेड का वैल्यू निकालना है, 110 को तो ट्रांसफर कर दो, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस में से 110 डिग्री। तो जेड का वैल्यू कितना निकल गया, 80 में से 10 माइनस हो तो 70 डिग्री निकल गया। तो अगर जेड हमारा 70 डिग्री निकल रहा है, इसका मतलब टी भी कितना होगा, 70 डिग्री ही होगा, क्योंकि हमारा दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर लास्ट में आप लिख भी दोगे कि जेड इक्वल टू टी, जो कि दोनों हमारे 70 डिग्री हो गए क्योंकि आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट में एक बार आप जगह मान नीचे अगर जगह बचा हुआ है तो नीचे में, अगर साइड में है तो साइड में इस तरीके से लाइन करके ये जरूर बता देना कि आपने जो उनका वैल्यू है वो कितना कितना फाइंड किया है। जैसे हमने बीच बीच में फाइंड किया है तो टीचर को चेक करने में हो सकता है आसानी ना हो, दिक्कत हो थोड़ा सा, और बहुत सारा कॉपी रहता है ना, तब ऐसे ही चेक करते हैं, गलत कर देते हैं कई बार। तो यहाँ पर हमारा लास्ट में आप लिख दोगे कि जो एक्स का वैल्यू हमको वो 60 डिग्री मिल गया, एंगल वाई का जो वैल्यू था वो भी 60 डिग्री मिल गया था, एंगल जो जेड है उसका वैल्यू 70 डिग्री मिल गया, और एंगल जो हमने टी निकाला है वो हमारा 70 डिग्री मिल गया। तो इस तरीके से आपको सभी का मेजरमेंट एक बार साथ में जरूर लिख लेना है, जब कभी भी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है ना, मिक्स हो जाता है, तब ऐसे लिखा जाता है, नहीं तो उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है ये लिखना। तो चलो, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा अगर आपको डाउट होगा एंगल का नेम लिखने में, तो वो आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेन आपको समझना है कि एंगल्स को कैसे फाइंड किया जाता है, और वो आई होप यहाँ पर आपका क्लियर मैं अच्छे से कर चुका हूँ। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं आपको इसी तरीके से जो सिंपल मेथड होगा उसमें सॉल्व करना सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।